हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, सीजीएल 2019 का आपका जो डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम है और जो आपका टीयर टू का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो बेस्ट से बेस्ट पीडीएफ के लिए आप जो है वो एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ बनाई है। काफ़ी सारे इसमें एसे और लेटर आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं ताकि आपको समझ में आए, और इफ़ेक्टिव लैंग्वेज है वो, और एग्ज़ाम में आपकी डेफिनेटली बेस्ट आप कर सकते हो। और आपको क्रैमिंग नहीं करनी, आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि किस तरीके से लिखे जा रही हैं। और डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको लेना है। इसके साथ ही सीजीएल टायर थ्री तक मैं ये 2019 का जो टीयर थ्री है उस तक मैं आपको फ्री में वो कैप्स और इडियम एंड फ्रेसिस की भी बुक्स जो है वो इनके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, मेक इन इंडिया, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड हाईली अफेक्टेड बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स, पीपल इन इंडिया नीड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल्स। मेक इन इंडिया कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 25th of September 2014 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्किल्स टू यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कब लॉन्च की गई है, और क्या उसका मतलब एक तरीके से वो स्कीम में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी, और क्या दिया इसने, टू प्रोवाइड स्किल टू यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इन्वेस्टर टू सेटअप देयर बिजनेस और मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया। इट इज़ आल्सो मेंट फॉर इम्प्रूविंग द मार्केट्स ऑफ डिजिटल नेटवर्क इन द कंट्री टू क्रिएट ए ग्लोबल हब फॉर बिजनेसिस। तो ये बेसिकली एक कंट्री में हमारे डिजिटल नेटवर्क की एक मार्केट को इम्प्रूव करेगा, जिससे कि एक ग्लोबल हब क्रिएट होगा बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस के लिए। इट टारगेटेड्स 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच रेंज फ्रॉम ऑटोमोबाइल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड BPM, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो मतलब ये टारगेट करता है बेसिकली इकोनॉमी के 25 सेक्टर इसके अंदर शामिल हैं, विच रेंज फ्रॉम, जो कि कहाँ कहाँ रेंज करते हैं, विच रेंज फ्रॉम ऑटोमोबाइल से लेकर के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, वहाँ तक के ये 25 सेक्टर इसमें इंक्लूड होंगे, उनको ये टारगेट करेगा। इट ऑल्सो सीक्स टू फैसिलिटेट्स जॉब क्रिएशन। बेसिकली अगर बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, आईटी कंपनीज खुलेंगी, तो इससे क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स जॉब क्रिएशन। तो बेसिकली जॉब क्रिएशन होगा, फोस्टर इनोवेशन एंड इनोवेशन जो है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, कुछ भी नया इनोवेट करने का दिमाग में आएगा, एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी क्या होगा एक तरीके से, उसको भी एक संरक्षण मिलेगा। गवर्नमेंट इज़ आल्सो इंट्रोड्यूसिंग सेवरल रिफॉर्म्स टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज़ फॉर गेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एंड फोस्टर बिजनेस पार्टनरशिप्स। जो गवर्नमेंट है वो भी इंट्रोड्यूस कर रही है कुछ रिफॉर्म्स, वो किसके लिए कर रही है, टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज़, ताकि FDI जो है वो उसमें वो इंक्रीज हो सके, FDI हो सके, एंड फोस्टर बिजनेस पार्टनरशिप, और बिजनेस पार्टनरशिप को क्या मिल सके, एक बल मिल सके। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI इन रेलवे, रेलवे में गवर्नमेंट ने 100% FDI जो है वो कर दिया है। उसके बाद देखिए, इट हैज़ आल्सो रिसेंटली इंक्रीज द कैप ऑफ FDI टू 100% इन डिफेंस एंड फार्मेटिकल। तो फार्मेटिकल और डिफेंस में भी जो गवर्नमेंट है उसने अपना FDI का जो कैप है वो बेसिकली 100% तक कर दिया गया है। एज अ रिजल्ट, इंडिया जंप टू 63rd प्लेस इन वर्ल्ड रैंक 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फ्रॉम 130th इन 2016 में ये 130 से पर था और जंप करके ये 63 पर चल गया 2019 में। तो आप जो है वो 2020 का भी इसमें बता सकते हो कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 में आप बता सकते हो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अभी इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है। मेक इन इंडिया इज़ हेल्पिंग द कंपनीज फॉर क्रिएटिंग देयर ब्रांड वैल्यूज़ इन द ग्लोबल मार्केट। इट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स टू बोथ पार्टीज, दैट इज़ द इन्वेस्टर एंड
आर कंट्री. सो बेसिकली जो भी फॉरेन कंट्री है वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए. और हमारी इंडिया के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, एक तो जॉब क्रिएशन होंगी और दूसरा हमारे इंडिया में पैसा भी आएगा. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, तो दोनों तरीके से दोनों को ही बेनिफिट होगा, तभी तो जा कर के वो लोग इन्वेस्ट करेंगे हमारे इंडिया में. उसके बाद देखिए, वेरियस सेक्टर्स हैव बीन ओपनड अप फॉर FDI लाइक डिफेंस, मैनुफैक्चरिंग, रेलवे, स्पेस, सिंगल ब्रांड रिटेल एट्सेट्रा. फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द रेगुलेटरी पॉलिसीज हैव बीन रिलैक्स टू फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ी सी उनमें नरमाई बरतनी चाहिए टू फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट, ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें. देखिए, अगर कोई भी चीज़, कोई भी अगर आप कुछ भी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ भी आप नई कंपनी खोलना चाहते हो, अगर उसके लाइसेंसिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, लिबरल नहीं करेंगे, तो फिर अगर उसी चीज़ में इतनी दिक्कत होगी, गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस लेना इतना मुश्किल हो जाएगा, व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे. टैक्स अगर ज़्यादा लगा रहे हो आप, लाइसेंस इजीली ना मिल पाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप टफ लगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन, थोड़ा सा इनको लिबरलाइज किया जाना चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशन और रेगुलेटरी पॉलिसीज शुड बी लिबरलाइज, ऐसे भी आप लिख सकते हो. इंडिया इज़ ऑन इट्स वे टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी. और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की एक पावरफुल इकोनॉमी की तरफ जो है वो एक कदम जो है वो रख रहा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेक इन इंडिया. एंड बहुत ही इम्प्रेसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये जो टॉपिक है वो आपका है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है. तो अगर आपको PDF चाहिए तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी. तब तक के लिए धन्यवाद.